हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 62,000 प्लस वैकेंसी थी और 2 करोड़ लगभग स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। जब एग्जाम देने का टाइम आया तो लगभग 1.17 करोड़, 1,17,00,000 स्टूडेंटों ने इसका एग्जाम दिया है। तो लगभग लगभग 58% लोगों ने इसका एग्जाम दिया है। इसी तरह मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिस वजह से आपका रेलवे ग्रुप डी में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों, जिन लोगों की काफी कम नंबर है ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत तो है वास्तव में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर मेरे 50 मार्क्स हैं, सर मेरे 48 मार्क्स हैं, मैं एससी कैंडिडेट हूँ, या फिर मेरे 60 मार्क्स हैं, मैं जनरल में आता हूँ, क्या मुझे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी एवरेज मार्क्स हैं उनको तो फिजिकल के लिए बुलाया ही जाएगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपके 30 से भी कम नंबर हैं, तो आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यदि कोई भी आपसे कहता है कि 30 नंबर से कम आने पर भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि जितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद उन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे मार्क्स लगभग इतने आ जाएंगे, हर किसी स्टूडेंट के उससे कम ही मार्क्स आए। जिस स्टूडेंट ने सोचा था कि मेरे 60 नंबर आ जाएंगे उसके 50 रह गए, जिसने सोचा था कि 50 आएंगे लगभग उसके 40 रह गए। तो अब हर स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स ही रहे। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिस वजह से आपके एवरेज नंबर आने पर भी आपको रेलवे ग्रुप डी में 100% बुलाया जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, 5 ऐसे कारण जिस वजह से आपको रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल देने को मिल सकता है। सबसे पहला और सबसे अच्छा कारण यह है कि इसमें वैकेंसी काफी ज्यादा है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में 62,000 प्लस वैकेंसी है। सपोज करो 62,000 की जगह 6,000 ही वैकेंसी होती तो इसका कट ऑफ बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई जाता है, लेकिन 62,000 वैकेंसी काफी वैकेंसी होती है, इस वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके एवरेज नंबर आने पर भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद इसमें फॉर्म भी ज्यादा फिल हुए थे लेकिन अटेंडेंस कम रही है, ओनली 58% अटेंडेंस रही है। इस वजह से आपको मालूम है कहां 2 करोड़ लोग होते हैं और कहां 1.17, 1,17,00,000। अगर 2 करोड़ के 2 करोड़ स्टूडेंट इसका एग्जाम देते तो काफी इसका जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन 1,17,00,000 केवल स्टूडेंटों ने इसका एग्जाम दिया है, तो इस वजह से भी इसका जो फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेगा वो औसत ही रहेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल। दोस्तों, आपको मालूम है कि जिस भी एग्जाम में फिजिकल नहीं होता है उसका कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन जिन एग्जाम में फिजिकल होता है उसका कट ऑफ लो रहता है। उसका कट ऑफ लो इसलिए रहता है क्योंकि वो वैकेंसी से ज्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड तो होते हैं, मार्क्स अच्छे लाते हैं, लेकिन फिजिकल नहीं दे पाते हैं या फिर उन्हें दौड़ने में परेशानी होती है। इसमें भी आपको मालूम है कोई सिंपल फिजिकल नहीं है, काफी टफ फिजिकल है। आपको 2 मिनट में बॉयज के लिए है 35 केजी का वजन लेके आपको 2 मिनट में 100 मीटर जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। ये बॉयज के लिए है, ऐसे गर्ल्स के लिए है कुछ, तो फिजिकल बहुत टफ है। आपको लग रहा होगा कि आप ऐसा बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन जब वास्तव में आप किसके आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए और आप ट्राई करोगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ फिजिकल टफ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिजिकल के लिए वो 2 से 3 गुना स्टूडेंटों को सिलेक्ट करेंगे। लगभग 3 गुना स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर 3 में से 2 स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, तो उन्हें जितने वैकेंसी हैं लगभग उतने स्टूडेंट मिल जाएंगे आफ्टर फिजिकल। फोर्थ पॉइंट है कि वेटिंग लिस्ट 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगी और एएलपी वैकेंसी से फायदा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि जो असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो भी लगभग 62,000 प्लस है, उससे ग्रुप डी वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने एएलपी का फॉर्म फिल किया था रेलवे का, वो सारे स्टूडेंटों ने रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल किया था। तो आपको मालूम है ऐसे स्टूडेंट जो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 2 फेज थे, CBT1 CBT2 इसके बाद सिलेक्शन होगा, तो और इसके रेलवे ग्रुप डी में तो केवल 1 फेज था। तो ये सारे स्टूडेंट जो एएलपी में सिलेक्शन ले सकते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वो ग्रुप डी में भी उनका सिलेक्शन हो गया होगा। अब होगा क्या कि जब वो उनका सिलेक्शन एएलपी में हो जाएगा तो वो सारे स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं करेंगे और एएलपी को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छी जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट की एंड टेक्नीशियन की और ग्रेड पे भी ज्यादा है ना, तो हर कोई इसको प्रेफरेंस देगा और इसमें ज्वाइनिंग ले लेगा, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है जो आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो
दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में आपको मालूम है कि मेडिकल एक बार होता है, और मेडिकल में अगर कोई कमी आती है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने रीमेडिकल भी रखा है। और रीमेडिकल, पहले आपका मेडिकल होगा, कोई प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी में, तो आपको 2 माह का समय दिया जाएगा, 2 माह बाद फिर आपका रीमेडिकल होगा, और फिर आपको अगर लगता है कि सुधार हुआ है आप में तो आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मालूम है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और किसी किसी में नेगेटिव मार्किंग होती भी है तो उसकी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्किंग रखी जाती है कि 1/4 की होगी या 1/3 की होगी या 1/2 की होगी। तो रेलवे का जितने भी एग्जाम होती है लगभग उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको मालूम है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेगा वो कम ही रहेगा। तो बहुत सारे कारण हैं कि आपका एवरेज नंबर पर आने पर भी आपको फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।